गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू लेसन, ये वीडियो सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। और आपका सब्जेक्ट क्या है ना, जो टॉपिक है क्या ना, एक्सप्लोरिंग विंडोज 7 और पेज नंबर 20 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं गैजेट्स। गैजेट्स क्या था ना, गैजेट्स को यूज करके आप क्या कर रहे थे ना, आपका टाइम स्केल, वेदर कंडीशन, सारे डिफरेंट प्लेस में उसको पता कर सकते थे। और अभी जो हम पढ़ेंगे, जो और चेंजिंग कलर्स, थेम्स, ये सब पढ़े थे, अभी हम पढ़ेंगे गैजेट्स टू अपीयरेंस ऑन द डेस्कटॉप। इस तरह से ये चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट करूंगा ना, गैजेट्स टू अपीयर ऑन डेस्कटॉप, आइकॉन्स क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल, साउंड रिकॉर्डर एंड प्लेइंग गेम्स, ठीक है, ये सब ये वीडियो में कवर होगा। अभी स्टार्ट करते हैं क्या ना, गैजेट्स टू अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। तो हमको सपोज गैजेट का जरूरत है, तो हम गैजेट यहाँ पे कंप्यूटर मॉनिटर जो कंप्यूटर में सेट करेंगे। सपोज गैजेट का जरूरत नहीं हमको, तो इसको क्या है ना, हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है ना, अपीयर, ठीक है। इफ यू डू नॉट वांट टू गैजेट्स टू अपीयर एनी मोर ऑन द डेस्कटॉप, यू कैन रिमूव इट एज फॉलोअर्स। आप क्या कर सकते हो, सपोज ये गैजेट आप रखना नहीं चाहते हो, तो क्या कर सकते हो ना, उसको रिमूव कर सकते हो। रिमूव कैसे करोगे, जब ये गैजेट के ऊपर ले जाओगे ना, एक क्लोज सिंबल आएगा, ये जो क्लोज सिंबल मैं बनाया हूँ, ये जो दो फटा बनाया हूँ, तो ये क्लोज सिंबल के ऊपर आप क्या करना है ना, सिंपल जब क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गैजेट आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया है, इसको रिमूव करना इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। जब इसके ऊपर क्रॉसर लोगे ना, ऑटोमेटिक ये क्लोज ऑप्शन शो करेगा, ठीक है, जो क्लोज कर दोगे तभी वो क्या हो जाएगा ना, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ना आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं ना, स्मॉल फोल्डर और शॉर्टकट फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर आप शॉर्टकट फाइल किंबा फोल्डर ले आओगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, आइकन्स बोलेंगे। आइकन्स क्या मदद करते हैं ना, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ड्राइव के अंदर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। सपोज ये फाइल मेरा क्या है ना, सी ड्राइव है, तो उसको सपोज ये फाइल पहले से यहाँ पे, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर ले आया हूँ, इसीलिए क्या करूंगा ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो वो क्या जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे नहीं था, वो क्या कहाँ पे था ना, मेरा सी ड्राइव में था, तो इसको प्रोसेस क्या है, यहाँ तक पहुंचने के लिए ना, मेरा था, मैं माई कंप्यूटर ओपन करूंगा, उसके बाद सी ड्राइव में जाऊंगा, उसके बाद फाइल मेरे को मिलेगा। लेकिन मैं क्या क्या हो रहा, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो फाइल फोल्डर सी ड्राइव में है, उसका एक शॉर्टकट बना दिया हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ ना, आइकन बोलता हूँ। तो आइकन को क्लिक करने के बाद क्या होगा ना, ये इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको इजीली एक्सेस करने के लिए ये आइकन्स बना जाता है। देखो, स्मॉल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस आर नोन एज आइकन्स। सेम ही है, कोई भी मतलब आपका क्या है, फाइल्स हो गया, नहीं तो फोल्डर हो गया, सारे फोल्डर है, ये फाइल है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, डेस्कटॉप के फ्रंट में रखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, आइकन्स बोलेंगे। तो आइकन्स हेल्प टू क्विकली ओपन फाइल्स, मैं पहले से बता दिया था, आइकन का क्या हेल्प करता है ना, क्विकली एक्सेस द फाइल्स, फाइल को क्विकली एक्सेस करने के लिए वो हेल्प करता है। उसके बाद फोल्डर और प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिकिंग देम, इसके ऊपर जब डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा ना, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है ये सारे देखो, आइकन का फोल्डर दिया है, ये क्या है, कंप्यूटर, ये माई कंप्यूटर का आइकन है, तो इसके इसको जब ओपन करोगे आपका क्या सारे क्या क्या आएगा ना, सी ड्राइव, बी ड्राइव आएगा, डीवीडी ड्राइव शो करेगा, आपका लेफ्ट साइड में जैसे क्लाउड स्टोरेज ये सब आएगा, ठीक है, ये होता है माय कंप्यूटर के अंदर। आप जब रिसाइकल बिन के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या आएगा ना, रिसाइकल जो डिलीटेड फाइल होता है, सपोज मैं क्या करूं ना, ये फाइल को यहाँ से हटा दूंगा, जब हटा दूंगा क्या होगा ना, मेरा यहाँ पे रिसाइकल बिन का सिंबल होगा, तो ये जो फाइल है तो क्या होगा ना, ये रिसाइकल बिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकता हूँ ना, फिर रिस्टोर कर सकता हूँ, तो रिसाइकल बिन से जब हटा दूंगा उसके बाद फिर प्रोग्राम के थ्रू में रिसाइकल करूंगा, लेकिन जो हमारा जो फाइल जरूरत नहीं है उसको रिसाइकल बिन में हम रख सकते हैं। इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, रिसाइकल बिन क्या डिस्प्ले करेगा ना, लिस्ट ऑफ डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स। इट एक्ट्स एज ए डस्टबिन फॉर योर कंप्यूटर, ये क्या है डस्टबिन, डस्टबिन में जैसे आप लेके कचरा फेंक देते हो, तो सेमी कंप्यूटर के अंदर जो कचरा है कहाँ पे फेंकोगे ना, रिसाइकल बिन के अंदर ही फेंकना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका इट डिस्प्लेस शेयर्ड फाइल्स और फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर। उसके बाद है नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो ना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू हमें यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर है और यहाँ पे एक कंप्यूटर है,
इनको दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, द नेटवर्क का जरूरत पड़ता है। चिल्ड्रन यू हैव लर्नड, उसके बाद हम देखते हैं चिल्ड्रन यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास हाउ टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, डबल क्लिक ऑन योर फोल्डर आइकन टू व्यू इट्स कंटेंट। तो कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे, हम प्रीवियस लेसन में पढ़े थे। तो कैसे करोगे ना, फ्री स्पेस में राइट क्लिक कर देना, राइट क्लिक करने के बाद ऐसे आपका यहाँ पे सपोज कर्सर लगे, राइट क्लिक करना, ऐसे डायलॉग एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा होगा क्या ना, न्यू। जब न्यू के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे फोल्डर आएगा और बहुत सारा आएगा, तो आपको फोल्डर के ऊपर जब क्लिक करोगे एक आ जाएगा, उसके बाद फोल्डर का नेम देने के लिए मांगेगा, तो नेम दे दोगे आपका क्या आ जाएगा ना, न्यू फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल का क्या एप्लीकेशन होता है ना, कोई भी हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, सपोज मेरा क्रोम का जरूरत नहीं है, उसको हटाना है, तो क्या करूँ ना, कंट्रोल पैनल को जाके जो क्रोम इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। और कंट्रोल पैनल में बहुत सारे सेटिंग्स रहता है, तो सेटिंग कुछ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको ना, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी आपके बुक के हिसाब से देखते हैं क्या है। द कंट्रोल पैनल है स्पेसिफिक टूल दैट आर यूज टू चेंज द वे विंडोज लुक एंड बिहेव। सम ऑफ दिस टूल्स हेल्प टू एडजस्ट सेटिंग्स दैट मेक योर कंप्यूटर इजी टू यूज। ये क्या करेगा ना, आपका कंप्यूटर का मॉडिफिकेशन, सपोज मैं बैकग्राउंड डिस्प्ले साइज छोटा करना चाहता हूँ, मैं तो आपका जो ये सारे सारे जो टास्क बार होता है उसको रिमूव करना चाहता हूँ, ये सारे सारे कहाँ पे कर सकता हूँ ना, कंट्रोल पैनल के थ्रू में कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ऑप्शन चेंज द सेटिंग ऑफ द माउस बाय रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड माउस पॉइंट्स विथ एनिमेटेड आइकॉन्स एंड मूव। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मेरा माउस का क्या है ना, पॉइंटर्स पहले कैसे था ना, ऐसे था मेरा माउस का पॉइंटर, कैसे था ना, ऐसे था। मैं उसको एनिमेटेड करूंगा ताकि किस टाइप का बनाना चाहता हूँ ना, इस टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो अभी क्या करना पड़ेगा ना, हार्डवेयर सेटिंग को जाके उसके बाद माउस सेटिंग में जाऊंगा, ताकि वहां पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरा पॉइंटर का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये है, इसको पढ़ लेना, यहाँ पे दिया है तो मैं प्रोसेस बता दिया। कंट्रोल पैनल में जाओगे, उसके बाद कहाँ पे जाना, हार्डवेयर सेटिंग। जब हार्डवेयर सेटिंग में जाओगे वहां पे आएगा माउस कीबोर्ड सारे सारे सेटिंग का आएगा, तो आपको क्या करना है ना, माउस सेटिंग में जाना। माउस सेटिंग के बाद माउस सेटिंग के अंदर जब जाओगे वहां पे आपको सारे सारे ये माउस का जितना भी सेंसिंग पावर सब वहां पे सेंस शो करेगा। आपको क्या है ना, पॉइंटर का डिजाइन चेंज करना है तो वहां पे आप चूज कर सकते हो। उसके बाद है आपका साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर की यूज होता है ना, आपका कोई भी वीडियो साउंड रिकॉर्ड करना है, कोई भी वीडियो हो गया आपका, वॉइस रिकॉर्ड करना है, तो आप किसके थ्रू में कर सकते हो ना, साउंड रिकॉर्ड के थ्रू में कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ साउंड रिकॉर्ड प्रोग्राम ऑफ विंडोज वी कैन रिकॉर्ड वॉइस इन द कंप्यूटर। द साउंड रिकॉर्ड योर वॉइस यू नीड ए माइक्रोफोन अटैच टू योर कंप्यूटर फॉर दिस पर्पज। क्योंकि ना कंप्यूटर के अंदर माइक्रोफोन नहीं होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल एक माइक्रोफोन को अटैच करना पड़ेगा। लेकिन जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप के अंदर क्या होता है ना, माइक्रोफोन्स होते हैं, उसमें जरूरत नहीं आपको एडिशनल माइक्रोफोन का कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा ना, आपको एडिशनल माइक्रोफोन का अटैच करना पड़ेगा टू रिकॉर्ड द वॉइस। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको एडिशनल माइक्रोफोन कहाँ पे जरूरत पड़ेगा ना, कंप्यूटर में, लेकिन लैपटॉप में वो इनिशियली इंस्टॉल है उसके अंदर। क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम, कैसे इसको मतलब साउंड रिकॉर्ड को ऑन करोगे, ये सारे से स्टेप दिया है यहाँ पे। ये स्टेप के हिसाब से आप जाओगे तो आपका जो साउंड रिकॉर्ड है उसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेविंग द रिकॉर्डेड वॉइस। जो रिकॉर्डेड वॉइस सेविंग हो गया, उसके बाद आपको कैसे उसको कैसे फाइंड करोगे ना, यू कैन ऑल्सो सेव द रिकॉर्डेड वॉइस इन ए फाइल। आप जो रिकॉर्डेड वॉइस को क्या कर सकते हो ना, एक फाइल के अंदर रख सकते हो। क्यों फाइल के अंदर रखेंगे ना, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, हमको जब जरूरत पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन करेंगे, हमारा वॉइस रिकॉर्ड फटक से मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हेन यू क्लोज द साउंड रिकॉर्ड विंडोज द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब मतलब क्या है ना, साउंड रिकॉर्ड ऑन किए थे, जब ऑफ कर दोगे तो क्या होगा ना, सेव एज डायलॉग बॉक्स का ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, सेव एज डायलॉग बॉक्स जब ओपन होगा आपको लोकेशन चूज करना पड़ेगा, सी ड्राइव या कहाँ पे चूज करना है, और फोल्डर बना के चूज करना है ना, ड्राइव के अंदर डायरेक्ट रखना है।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, सपोज फोल्डर बना के रखना है तो एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाने के बाद इसका नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद सेव कर दोगे तो क्या जाएगा आपका रिकॉर्डेड वॉइस वो फोल्डर के अंदर आपके जो फाइल का नाम के हिसाब से वो सेव हो जाएगा। उसके बाद प्लेइंग ए गेम, तो हम क्या करते हैं ना कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो कभी कभी जब काम करते हो तो रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं गेम्स खेलते हैं। जैसे किसी का रिलैक्स करने के लिए क्या मतलब एक्सरसाइज का जरूरत पड़ता है ये सब, तो सेम ही कंप्यूटर के पास बैठे हो और कोई टास्क कर रहे हो ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आप क्या करोगे उसी टाइम गेम्स खेल सकते हो, बिना मतलब बाहर जाओगे तो टाइम क्या होगा बर्बाद हो जाएगा, ताकि वहां पे बैठ के भी आप माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। तो इसको कैसे खेलोगे, द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 हैज नंबर ऑफ इनबिल्ट गेम्स, यू प्ले दीज गेम्स बाय क्लिकिंग डिजायर ऑप्शंस, सम ऑफ द गेम्स विंडोज 7 आर चेस है, क्या क्या गेम्स है ना विंडोज 7 के अंदर ना, चेस है, फ्री सेल है, फ्री सेल मेरे को अच्छा लगता है, और माय उसके बाद पर्पल पर्बल प्लेस है, ये सारे सारे हार्ट्स है और सॉलिटेयर्स है, ये सारे सारे गेम्स है, उसको आप क्या कर सकते हो ना वहां पे जाके खेल सकते हो। जब मतलब स्टार्ट बटन में चला जाओगे उसके बाद क्या होगा, इस टाइप का गेम्स का एक आइकन शो करेगा, उसके उसके ऊपर जब क्लिक करोगे यहाँ पे देखो गेम्स लिखा है, जब स्टार्ट बटन के अंदर जाओगे गेम्स ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे गेम्स लिखा है, तो गेम्स के ऊपर जब क्लिक करोगे जितना भी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर गेम्स है मतलब प्री इंस्टॉल गेम्स है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे वो सारे से शो करेगा, आपको जो अच्छा लगता है वो गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप्स दिया है कैसे, स्टार्ट बटन में जाना, गेम्स में जाना, उसके बाद क्या करना जो गेम है उसको चूज करके आप खेल सकते हो। ये था आपका मतलब ये सब कंप्लीट हो गया गैजेट्स और आइकन्स क्या आते हैं कंट्रोल पैनल साउंड्स एंड प्लेइंग गेम्स। तो ये आपका मतलब ये क्या है चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया, किसी का भी कुछ भी डाउट्स आएगा तो क्या कर सकते हो ना मेरे को मैसेज नहीं तो कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपका क्वेश्चन का और डाउट का रिप्लाई दे सकूं। और बस थैंक यू।